दसवां कारण, मोहम्मद के मानने वालों के हिसाब से कई लोग मोहम्मद के लिए अपना जान देते थे। यीशु के चेलों के हिसाब से यीशु ने खुद अपना जीवन दिया, दूसरे पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। दसवां कारण जो ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे उनके लिए जान देते थे। बहुत सारे लोगों के साथी जो होते हैं उनके लिए जान देते थे। यीशु मसीह खुद बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि इफ़ अ मैन कम्स टू मी, अगर मेरे पास कोई आता है मेरा शागिर्द मेरा डिसाइपल और वो अपने माँ से दुश्मनी नहीं करता, अपने बाप से दुश्मनी नहीं करता, अपने भाई बहन अपने बीवी शौहर अपने हस्बैंड और अपने ज़िंदगी से दुश्मनी नहीं करता तो वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता, वो मेरा डिसाइपल नहीं बन सकता। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड जो था कि लोगों से जान मांगना, लोगों को बोलना कि मेरे लिए जान दे दो, वो तो जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक 14 वर्स 26 में। तो इस हिसाब से आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह जो है वो झूठे नबी साबित हो जा रहे हैं। ठीक है, 11वां कारण, मोहम्मद के आखिरी शब्द, हे अल्लाह सभी यहूदी और मसीही विनाश हो जाएं। यीशु के आखिरी शब्द, हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में बोलते कि यहूदी और ईसाई विनाश हो, बस थोड़ा सा उठाया उनका लाइन को और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया ये दिखाने के लिए कि वो सबके लिए विनाश करने बोल रहे थे। उनका पूरा लाइन ही भी अगर वो कोट कर देते कि ए अल्लाह यहूदी और ईसाइयों पे लानत हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने कब्र बना लिया, अपने अंबियाओं के कब्रों को मस्जिद बना लिया, उस पर सजदा करने लगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से उन पर कर्स भेज रहे या किस वजह से उन पर लानत भेज रहे थे, जबकि वो एकदम आखिरी उनका स्टेटमेंट नहीं था, वन ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट था उनका, तो वो क्यों भेज रहे थे? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बराबर दूसरों को बना लिया था। जिस तरह की जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है, तो अगर इस बात से आपको ये प्रॉब्लम है कि क्यों कोई बोल रहा कि एक अल्लाह की बात करना, उस वजह से कोई झूठा नबी हो जाता, तो यीशु मसीह भी बार बार बोल रहे कि आपको एक ईश्वर की इबादत करना, आपको वन गॉड पे मानना है। और ये बोलते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो लास्ट टाइम में बोलते हैं कि इनको क्षमा कर देना, ऐसा कोई लाइन नहीं, जो लाइन ये दे रहे हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 23 वर्स नंबर 34 में वो उनका लास्ट वर्ड नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में उनके लास्ट वर्ड को चेंज कर दिया। वो उन्होंने लास्ट वर्ड क्या बोला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में बोला था, गुलामों से अच्छा बिहेव करने के बारे में बोला था, नमाज के बारे में बोला था, ये सबको खा लिया, बल्कि जो भी दिखाया यहाँ पर इतनी मतलब इनकी मक्कारी देखिए या जो डिसीट इनका है वो देखिए कि वो सिर्फ इतना बोलते कि यहूदी और ईसाइयों का विनाश हो, वो क्यों बोल रहे वो भी नहीं दिखा रहे। और यीशु मसीह में क्या किया, यीशु मसीह का जो लाइन पहले था मरने से थोड़ा देर पहले कही या जो भी जी अकॉर्डिंग टू बाइबल जो भी है कि वो क्रॉस में अपने जान देने से पहले बोल, उससे पहले का लाइन दे दिया कि इनको माफ़ कर देना, ये नहीं दिखाया कि यीशु मसीह खुद बाइबल में बोलते कि ए ईश्वर तुमने मुझको क्यों छोड़ दिया। कोई भी इंसान जो ईश्वर पे मानता उससे पूछे कि क्या ईश्वर उसको छोड़ते हैं, तो आप वो बोलेगा नहीं ईश्वर तो नहीं छोड़ते किसी को भी। यीशु मसीह तो ये बोल रहे अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इस तरीके के लाइन को दिखा सकता हूँ यीशु मसीह के कि देखो लास्ट टाइम में यीशु मसीह किस तरीके से ईश्वर के खिलाफ बोल रहे कि ईश्वर तुमने मुझको क्यों छोड़ दिया। तो ये करना सरासर धोखा और मक्कारी है जो कि ये क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं, और झूठे तरीके से लाइंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिखाया लास्ट वर्ड को, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से अच्छा बिहेव करने को भी बोला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बोला था, उन चीज़ों को हटा दिया और जिस लाइन को भी दिखाया उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया, थोड़ा सा दिखाया, ये नहीं बताया कि किस वजह से वो यहूदी और ईसाइयों को जो बुरा कह रहे थे वो किस वजह से बोल रहे थे, वो उसी वजह से बोल रहे थे जिस वजह से यीशु मसीह भी लोगों को बुरा बोल रहे थे। ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।